तो बच्चों की मौसी ने आज बनाई है बच्चों के लिए मैक्रोनी, और बच्चों को मैक्रोनी ना बहुत पसंद है, पर निशु को तो बहुत ही ज़्यादा। और आप देख सकते हो कि दोनों कितने मज़े से खाने में लगे पड़े हैं और बातें भी मतलब किए जा रहे हैं लगातार। और मतलब ये समझ लीजिए कि जितनी देर यहाँ पे बैठना हुआ, मैक्रोनी जो थी वो सिर्फ 10-15 मिनट में ख़त्म हो गई थी, बट बातें 2 घंटे के बाद तक चलती रही थी। और उसके बाद मतलब खाना बना तो बच्चों को पहले ही खिला दिया जाता है। क्या होता है बच्चे को ना थोड़ी थोड़ी देर में खाना देते रहो ना, तो ये होता है कि उनको भूख नहीं लगती है ना, तो वो परेशान भी नहीं करते हैं और खेल खेल के बच्चे थक भी जाते हैं। छोटी सिस्टर अपने ब्लॉग की तैयारी कर रही थी तो मैंने बीच में एंट्री मारी। बस करो, कैसी लग रही है हमें? बहुत गंदी नहीं लग रही हो, पूरी बात सुना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर जरूर करना अगर पसंद आता है तो। वैसे मुझे पता है कि जब मैं इस वीडियो में हूँ तो पसंद तो आ ही जाएगा, वो बात अलग है तुम्हारी। वैसे मैं अलग पैसा दिया उतना ढंग से बताओ, कम दिया था इसने, 20 रुपए दिए थे इतनी लाइन मिलने के। परी मैंने पैसे दिए नहीं, 100 रुपए में। अरे तो ये फिर से सब्सक्राइब कर दे। हद है यार, ऐसे कौन बेइज्जती करता है। 3 बज गया इनको खाने के लिए, और ये बेचारी लड़की को बूढ़ा मार रखा है। जाते ये तो सुना ही है, कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ अब बातें। ये गाना सुन के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर ज्यादा गा दिया ना तो एक कॉपीराइट आ जाएगा, और जो मुझे सदमा तो दे ही जाएगा पक्का। थक ही नहीं रहे बातें करते करते, और सब ने इतना लेट नहाया, सब एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। लगता है ये प्यार से गई होगी, ये तो और बीच में सबकी हेड बन के बैठी हुई थी कि कितनी बातें करने को मिल जाए, कुछ कम नहीं है। देखो और आप बड़े जब बातें कर करके थक गए ना, तब खाना खा चुका है, एनर्जी एनर्जी फिर से बातें शुरू हो गई। मिठू आओ आओ बेटा, तो देख सकते हो कैसे लगे पड़े हैं सबके सब, कोई अपने फोन पे, कोई बच्चों को खिलाने में। तो मम्मी मेरे कपड़े सही कर रही हैं, और कुछ ऐसे कपड़े थे जो मैं लेकर आई थी, तो मम्मी बिल्कुल सही करके रख देती हैं। और शाम को चाय का टाइम हो गया, तो बच्चे भी अपना दूध वगैरह का इंतज़ार कर रहे थे, और चाय सब बड़े ही लोग पियेंगे। और फिर यही सब करते करते 2 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। और मेरे को मार्केट भी जाना था पर मैं नहीं जा पाई। और ये देखो मतलब दोनों पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कितना अंतर है एज में, और ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ओह माय गॉड पक्की सहेलियां होंगी दोनों। और परी मतलब कितने मज़े से बातें कर रही है, मतलब मैंने ये चुपचाप देखना शुरू किया। मैं कह रही यार ये तो देखो। पर चलो अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े लोगों के साथ कभी कभी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, उनको लगता है कि ये सब बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, हमेशा बच्चों को समझाते रहते हैं। और मुझे पूरा यकीन था कि परी मेरे खिलाफ ही कुछ षड्यंत्र रच रही है। और निशु टीवी देख रहा था। अच्छा पार्टी तैयार हो गई है, और सबको बच्चों के मामा ले जा रहे हैं घुमाने के लिए। देख रहे हो कैसे भगदड़ मची हुई है, और मैं भी तैयार हो गई हूँ। और उसके अलावा भी देखो क्या क्या होता है आगे, बच्चे अपनी अपनी डिमांड बता रहे हैं। अब मैं अपनी डिमांड तो वहीं जाके बता दूंगी। और बेचारी मम्मी मम्मी घर पे ही रहेंगी, क्योंकि मैं उनके लिए ले आई बहुत ढेर सारा काम। मैं अपने छोटे छोटे कुछ ऐसे कपड़े दे, जैसे कुछ टी शर्ट्स थी, कुछ मतलब कुछ ऐसे कपड़े थे जिनको मुझे सही करना था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली मैं पूरी गड्डी ले आई, मम्मी को थमा दिया। बेचारी मम्मी कर रही हैं, वैसे मैं उनसे कह रही हूँ कि आराम कर लो मम्मी, अब आराम कर लो, फिर बाद में कर लेना, फिर देख जितना हो जाए ठीक है, नहीं तो रहने दो, क्योंकि कल ही जाना है। तो इसलिए मम्मी को भी टेंशन हो रही है कि मुझे परेशानी ना हो भाई, वो तो मम्मी है करेंगे। मैं तो कह रही हूँ भाई आप लोग भी समझा देना कि भाई रहने दो, कर लेना, मैं आराम से कर लूँगी। वो सब कटिंग कटिंग कर दो, कटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं स्टिचिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ। और ये मतलब मम्मी, अरे दीदी चलो यार जल्दी चलो ना, ये देखो ये देखो चलो।
हम सब लोग बैठ गए गाड़ी में और हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। और हम लोग जाएंगे गांधी पार्क, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मतलब ऐसे स्टॉल वगैरह लगे मिल जाते हैं जो कि मतलब बच्चों के फेवरेट चीज़ों के होते हैं। तो यहाँ पे मोमोज बहुत पसंद किए जाते हैं और मुझे भी मतलब बहुत पसंद है, मतलब बच्चों को भी, कुल मिला के सभी को बहुत पसंद है। तो सब लोग मतलब खाने जा रहे थे और ये था कि सब बच्चे गाड़ी में ही बैठे रहेंगे, उनको बाहर नहीं निकलना है क्योंकि कोविड का टाइम भी चल ही रहा है, तो फिर बच्चों को थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने बच्चों को भी वहीं पर ही खिला दिया था और हम लोग ने भी गाड़ी में ही खा लिए थे। और फाइनली बच्चे घूम रहे थे, कोई आइसक्रीम ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो बस यही सब चल रहा था। और मुझे मार्केट जाना था, तो फिर 8:30 बजे मैं मार्केट गई, मतलब बहुत टाइम हो चुका था, वो भी भाई के साथ मुझे जाना पड़ा। और खाना फिर मतलब वापस आते समय हम लोग बहुत लेट हो गए थे। लगभग सारे दिन बहुत अच्छे गए, फाइनली अब घर की विदाई का समय आ ही गया। मतलब आने नो 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 सॉरी बच्चे खा चुके और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। और एक दिमाग में एक जो टेंशन है वो ये है कि फटाफट अभी पैकिंग करनी है, वरना फिर कल टाइम हो जाएगा।